गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप घर पर अपने बालों को डीप कंडीशनिंग कैसे कर सकते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को यूज करके। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरे बाल कर्ली हैं और कर्ली बाल को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हल्का सा भी जब इस पर हम ध्यान नहीं देते हैं तो ये रफ, ड्राई, फ्रीजी हो जाते हैं, अनमैनेजेबल हो जाते हैं। तो ये रेमेडी मेरा रेस्क्यू रेमेडी है। मेरे जब भी बाल अनमैनेजेबल हो जाते हैं तो मैं इस रेमेडी को लगा के अपने बालों को मैनेज कर लेती हूँ। ये रेमेडी आपके बालों को ना ही सिर्फ सॉफ्ट, स्मूथ, शाइनी, हेल्दी बनाएगा, साथ ही साथ आपके बालों को स्ट्रॉन्ग करेगा और हेयर फॉल भी बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि मेरे कर्ली बाल हैं, स्टिल हल्का हल्का मेरा बाल शाइन कर रहा है। अगर आपके नॉर्मल और स्ट्रेट बाल होंगे तो आपके बाल बहुत ही ज़्यादा शाइनी हो जाएंगे। और इसे यूज़ करना बहुत ही आसान है, आप इसे वीक में एक बार अप्लाई कर सकते हैं। और आपके बालों की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है तो दो बार अप्लाई करें, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और उसके बगल का नोटिफिकेशन बेल भी दबाइएगा, ताकि जब भी मैं एक वीडियो अपलोड करूँ आपको पता चले। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर। डीप कंडीशनिंग बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 1 चम्मच कोकोनट ऑयल, फिर मैं उसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच ऑलिव ऑयल, फिर मैं इसमें ऐड करूंगी 1 चम्मच कैस्टर ऑयल। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच कलौंजी का ऑयल। आपके पास जो भी नेचुरल ऑयल है आप उसे यूज़ कर सकते हैं, और अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग तेल यूज़ करना है। फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 विटामिन E के कैप्सूल। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टी ट्री एसेंशियल ऑयल, ये ऑप्शनल है, अगर है तो डालें। उसके बाद यांगलैंग ऑयल, ये भी ऑप्शनल है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी नेचुरल एलोवेरा जेल। ध्यान रखें नेचुरल ही होना चाहिए, मार्केट वाला नहीं होना चाहिए, और इसे ग्राइंड नहीं करना है। जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ उसी तरीके से इसका जेल निकालना है, नहीं तो इसकी कंसिस्टेंसी ख़राब हो जाएगी। तो इस तरीके से, अगर आपके पास कंघी है तो आप कंघी से कर लें, नहीं तो चाकू से भी बहुत आराम से निकल जाता है। बस ध्यान रखें चाकू यूज़ करते टाइम, ताकि आपके हाथ में ना लगे। सो इस तरीके से करके आपको पूरा एलोवेरा जेल निकाल लेना है। अब एलोवेरा जेल और ऑयल को तब तक मिक्स करिए जब तक ये एक दूसरे में अच्छे से मिक्स नहीं हो जाए। अब मैं आपको अपने बालों की कंडीशन दिखा देती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो गए हैं, रफ हो गए हैं, अनमैनेजेबल हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि इसकी अभी हाल क्या है, और ख़ासकर कि एंड्स एकदम कैसे हो गए हैं। कर्ल्स का तो पता नहीं, लेकिन बहुत ही फ्रीजी से हो गए हैं बाल। मैं आपको पास से भी अभी अपने बालों का कंडीशन दिखा देती हूँ और एंड्स भी दिखा देती हूँ कि किस हाल में है ये। अब मैं जा रही हूँ ये होममेड डीप कंडीशनिंग मास्क लगाने के लिए। सो सबसे पहले आपको इसे अपने जड़ों से लेके सिरे तक लगाना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ड्राई और डैमेज पार्ट हमारा एंड्स होता है, तो उसे नहीं छोड़ना है। और अगर हमारे जड़ें मजबूत रहेंगी तो हमारे बाल हेल्दी और स्ट्रांग रहेंगे, इसलिए जड़ों पे भी लगाना बहुत ज़रूरी है। सो आप देखें कि मैं किस तरीके से लगाती हूँ, आप भी उसी तरीके से इस पैक को अप्लाई करें। अगर ये पैक आपका लास्ट में घट जाता है तो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, जो भी थोड़ा सा बचा हो उसी टाइम ऐड करिएगा। जब ये पैक पूरी तरीके से लग जाता है तो मैं इस तरीके से नॉट बना लेती हूँ और इसे 2 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। 2 घंटे के बाद मैं इसे नॉर्मल शैम्पू से वॉश करती हूँ, जो कि केमिकल फ्री होता है, इस बात का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। और उसके बाद मैं टॉवल से नहीं, टी शर्ट से अपने बालों को ड्राई करती हूँ, ताकि बाल फ्रीजी ना हों। सो अब रिज़ल्ट आपके सामने हैं।